हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रैखिक गति के समीकरण की। जी हां दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं और आप सभी वहां पे कंफ्यूज होते रहते हैं और आप सबों का ये शिकायत भी रहता है कि सर रैखिक गति का जो समीकरण है उसमें कौन सा समीकरण किस दो राशि के बीच में संबंध बताता है, इस चीज का पता ही नहीं चलता है। तो आज के इस वीडियो सेशन से आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग रैखिक गति के समीकरण की बात करते हैं तो हम सभी के मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर समीकरण तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये समझाओ कि रैखिक गति क्या होता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना, रैखिक गति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को इंग्लिश में हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको याद रख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हिंदी और इंग्लिश की बात हो गई, इसका डेफिनेशन क्या होगा? बड़ा ही सरल डेफिनेशन है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जब भी कोई पिंड या जब भी कोई वस्तु किसी सरल रेखीय मार्ग पर चलती है या किसी सीधी रेखा पर चलती है, तब जो उसकी गति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर रैखिक गति कहते हैं। अगर आप सभी को नहीं याद रहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि जब कोई पिंड सरल रेखीय मार्ग पर गमन करती है या सीधी रेखा में गमन करती है, दोनों बात लिख सकते हैं, या सीधी रेखा में गमन करती है तब उसकी गति को रैखिक गति कहा जाता है या फिर लीनियर मोशन कहा जाता है, या आप चाहें तो रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। जब भी आपसे कोई ये पूछे कि रैखिक गति हम लोग किसको बोलेंगे, तो बिल्कुल ही सरल भाषा में याद रखना है कि जब कोई पिंड सरल रेखीय मार्ग में गमन करती है तब जो उसकी गति होती है क्या कहलाती है? रैखिक गति कहलाती है। अगर आपको सरल रेखीय मार्ग ना याद रहे तो सीधे एक लाइन में याद रख लेना कि जब कोई वस्तु या पिंड सीधी रेखा में गमन करती है तब जो उसकी गति होती है क्या कहलाती है? सर रैखिक गति कहलाती है, यानी कि लीनियर मोशन कहलाती है। मेरे मित्र, अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर ये तो ठीक है, इस चीज को हमने समझ लिया, लेकिन ये रैखिक गति का समीकरण क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे? इसको भी बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कह रहे हैं रैखिक गति के बारे में कि सर इसमें कोई वस्तु या पिंड सीधी रेखा पर गमन करेगी। तो मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और यहाँ पे आपका एक पॉइंट बी है और ये लड़का क्या करता है सर, ये इस ए पॉइंट से चल करके बी तक आ जाता है। ध्यान दीजिए, जब आप इन सारे डाउट को मिलाएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो एक सीधा रेखा हो जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इस लड़के की जो गति होगी वो कौन सी गति होगी? तो आप सभी कहेंगे सर ये रैखिक गति होगी। मेरे मित्र, आप सभी ये भी यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जब लड़का यहाँ से चलना स्टार्ट करा होगा इस बिंदु तक आने के लिए, इसकी अपनी कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग रही होगी। और आप सबों को मालूम है कि प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर वस्तु के प्रारंभिक वेग को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर जब ये यू वेग से चलना शुरू किया है और इस बी पॉइंट पे आएगा तो यहां पर आने में भी इसका कुछ ना कुछ वेग में परिवर्तन हुआ होगा, और उस वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? सर वो जो वेग होता है उसको हम लोग अंतिम वेग कहते हैं, यानी कि अंतिम वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये चलना शुरू किया तब इसका वेग क्या था? यू। यहां पे आके रुक गया तब इसका जो वेग होगा यानी कि जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा? सर वी हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा होगा? सर टी के सापेक्ष, यानी कि समय के सापेक्ष, क्योंकि इसको यहां से यहां आने में कुछ ना कुछ वक्त तो लगा होगा, कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा। हम लोग क्या देते हैं कि सर इसको यहां से यहां तक आने में t समय लगा। मेरे मित्र, आप सभी ये भी कहेंगे कि सर जब ये यहां से यहां तक आया होगा ये कुछ ना कुछ दूरी भी कवर करा होगा। तो मान लेते हैं कि सर ये s दूरी कवर करा,
कितना दूरी कवर करा सर? एस दूरी कवर करा, और इस दूरी को कवर करने में इसको कितना समय लगा सर? टी समय लगा। मेरे मित्र आप सभी यहां पे देख रहे हैं कि लड़का यू वेग से चलना शुरू किया और जो इसका अंतिम वेग था वो कितना हो गया? वी हो गया। किसके सापेक्ष में सर? टी के सापेक्ष में, यानी कि समय के सापेक्ष में। आप सभी यहां पे ये भी देख रहे हैं कि लड़का के वेग में परिवर्तन भी हो रहा है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। और आप सबों को मालूम है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे लड़का का कुछ ना कुछ त्वरण भी रहा होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रैखिक गति के समीकरण की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो समीकरण आपको किसी भी पिंड के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और उसके त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा समय के बीच में संबंध बताता है, उसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक गति का समीकरण कहते हैं। बड़ा ही सरल शब्दों में इसको ध्यान में रखना है कि वैसा समीकरण जो किसी भी पिंड के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और उस पिंड द्वारा तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा हुआ समय के बीच में संबंध बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? रैखिक गति का समीकरण कहते हैं। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर रैखिक गति के समीकरण कितने होते हैं? आप सभी ध्यान में रखिएगा कि रैखिक गति का जो समीकरण होता है, रैखिक गति का जो समीकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो सर ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर? तीन प्रकार का। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा ध्यान में रखिएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा ध्यान में रखिएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों क्या है सर? तो सर ये तीनों रैखिक गति का समीकरण है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक गति का दूसरा समीकरण है, या निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक गति का पहला समीकरण है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैंने यहाँ पे एक दो तीन के क्रम में इस तीनों समीकरण को लिखा है, तो जिस क्रम में मैंने लिखा है सर वही पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है और तीसरा समीकरण है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर में मैंने v इक्वल्स टू यू प्लस at लिखा है, यानी कि अगर आपसे ये पूछ ले कि रैखिक गति का पहला समीकरण कौन सा है तो आप कहेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस at। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रैखिक गति का दूसरा समीकरण कौन सा है तो आप कहेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपसे अगर ये पूछा जाए कि रैखिक गति का तीसरा समीकरण कौन सा है तो आप सभी कहेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रैखिक गति का समीकरण निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया। आपके ऑप्शन में गैलीलियो भी रहता है और न्यूटन भी रहता है, और आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि अब ये समीकरण गैलीलियो ने दिया या फिर न्यूटन ने दिया। हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी आपके क्वेश्चन में गति के समीकरण की बात करी जाए, गति के इक्वेशन की बात करी जाए, तो आप किसका नाम लिखेंगे? तो सर आप सभी नाम लिखेंगे गैलीलियो का। किसका नाम लिखेंगे सर? गैलीलियो का। इसका मतलब ये हुआ कि रैखिक गति का जो समीकरण है ये किसके द्वारा दिया गया? तो सर गैलीलियो के द्वारा दिया गया। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गति का नियम किसने दिया, तब आप किसका नाम लेंगे सर? न्यूटन का नाम लेंगे। और आपको ये भी याद रखना होगा कि गति के नियम भी तीन प्रकार के होते हैं, आप सबों को मालूम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि गति का नियम किसके द्वारा दिया गया? आप सभी कहेंगे न्यूटन के द्वारा दिया गया। और गति का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो सर गैलीलियो के द्वारा दिया गया। गति के समीकरण कितने हैं? तो सर तीन हैं। कौन कौन सा? v equals to u plus at पहला समीकरण, s equal to ut plus half at square दूसरा समीकरण, और v square equal to u square plus 2as तीसरा समीकरण। आप सबों को मालूम होगा यहाँ पे v क्या है? अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t क्या है सर? समय। एस यहाँ पे क्या है सर? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, या कहीं कहीं पे आपको यही चीज स्थिति के रूप में भी मिलता है, तो आपको घबराना नहीं है। एस को हम लोग दूरी या स्थिति दोनों के नाम से जानते हैं, दूरी या स्थिति दोनों के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ पे भी यू और फिर ए और एस है, आप सभी समझ रहे हैं, ए को त्वरण बोला जाता है, एस जो है आपका दूरी या स्थिति कहलाएगा। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि आपके तीनों समीकरण में क्या है सर? यू है। तीनों समीकरण में क्या है सर? यू है। तो अगर ये हो जाए कि किसी भी पिंड का जो प्रारंभिक वेग है वो जीरो हो जाए, तब आपका गति का समीकरण किस तरह से प्रभावित होगा? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब u इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा,
तब जो आपका पहला समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है पहला समीकरण। जब आप कह रहे हैं कि u इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो सर ये v इक्वल टू जीरो प्लस ए टी हो जाएगा। अब जीरो को लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये भी तो कह सकते हैं सर v इक्वल टू ए टी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा जब किसी पिंड का प्रारंभिक वेग जीरो होगा तब जो उसका वेग होगा वो क्या होगा सर, तो त्वरण और समय के गुणनफल के बराबर होगा। ध्यान में रखिएगा, आप देख रहे हैं कि s equal to ut plus half a t square है। अगर यहां भी क्या रखें सर, u equals to zero रखें, तो आपका s equal to क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ut plus half a t square है, ut plus half a t square है। जब हम यहाँ पे जीरो रखेंगे ये जीरो गुना t हो जाएगा, और कोई भी चीज जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो को यहाँ पे लिखें या ना लिखें तो आप सीधे कह सकते हैं सर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरह वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी यू स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो ही होगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू टू एस। बड़े ही आसानी से आप इस चीज को लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से गति का पहला समीकरण किन दो भौतिक राशियों के बीच में संबंध बताता है। हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये जो आपका तीनों समीकरण है ये किस दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बताता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आप सभी कह रहे हैं कि सर गति का पहला समीकरण v equals to u plus at है, तो चलिए हम इसको एक बार और देखते हैं कि v equals to क्या है सर, u plus at। बस आपको ध्यान में रखना है जब भी आपसे ये पूछा जाए कि गति का पहला समीकरण किस दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बताता है, आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं ये v जो है ये क्या है, आप सभी कहेंगे सर ये तो अंतिम वेग है, ये क्या है अंतिम वेग। काहे भाई भाई अगर हम खाली वेग बोल दें तो कोई दिक्कत हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। देखिए कि यहाँ पे v है जिसको मैंने क्या लिखा सर, वेग, आप सभी समझ रहे सर वेग ही होगा। यहाँ पे देखिए u plus at है तो इसका अंतिम टर्म क्या है, आप कहेंगे सर अंतिम टर्म समय है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा सर जी कि जो पहला समीकरण है वो वस्तु के वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। गति का जो पहला समीकरण है वो वस्तु के वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। तो आपका ये कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ ये समीकरण याद रखना चाहिए और पहला वाला टर्म वेग है और अंतिम वाला टर्म समय है, तो आप सभी आसानी से कहेंगे वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। दूसरा आपका क्या है सर, तो आप कह रहे सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ध्यान दीजिए यहां पर हम लोग वही काम करेंगे, एस क्या है सर, तो आप सभी कहेंगे सर अभी तो आपने बताया है इसको दूरी या हम लोग स्थिति समझते हैं, तो समझ लीजिए सर यहाँ पे s दूरी है या फिर वस्तु का स्थिति है। इसका लास्ट टर्म क्या है सर, तो सर यहाँ भी लास्ट टर्म समय ही है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गति का दूसरा समीकरण है वो किस दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बताता है, आप सभी कहेंगे सर दूरी और समय के बीच संबंध बताता है या फिर स्थिति और समय के बीच में संबंध, दूरी और समय के बीच संबंध बताता है या फिर स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है। या ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है, आप सभी कहेंगे गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। ठीक यही नियम हम लोग गति के तीसरे समीकरण के लिए भी लागू करेंगे। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है सर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये है आपका गति का तीसरा समीकरण। अब अगर ये पूछ लिया जाए ये तीसरा समीकरण किस दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बताता है, यहां भी वही करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे वी स्क्वायर है यानी कि वेग का स्क्वायर है, तो पहला चीज तो आपका वेग आ गया। दूसरा यहाँ पे एस देख रहे हैं यानी कि इसको हम लोग स्थिति या फिर क्या बोलते हैं सर, दूरी बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर गति का जो तीसरा समीकरण है वो वस्तु के वेग और स्थिति के बीच में संबंध बताता है या फिर वेग और दूरी के बीच में संबंध बताता है। तो अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच में संबंध बताता है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है या फिर दूरी और समय के बीच संबंध बताता है, और गति का जो तीसरा समीकरण है ये वेग और स्थिति के बीच में संबंध बताता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सर ये वेग और दूरी के बीच में संबंध बताता है।
मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि अब आपको यहां से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ उम्मीद ये भी करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसको सबसे पहले देख पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।